हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल. माई सेल्फ विजेता मैम, ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू इन हिस्ट्री क्लासेस फोर क्लास 11. ओके, सो बेटा लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर, द नेम फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम. व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर? बेटा इन दिस चैप्टर वील स्टडी अबाउट द स्टार्टिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. किस तरह से मानव इतिहास की शुरुआत होती है, स्टोन एज एटसेट्रा जो था, किस तरह से मानव ने एग्रीकल्चर वगैरह शुरू किया. ठीक है, कहाँ कहाँ से बेसिकली क्या पढ़ना है कि कहाँ कहाँ से हमें इनके एविडेंसेस अवेलेबल होते हैं. ठीक है, सो इनिशियली वी विल अंडरस्टैंड द सोर्सेज ऑफ अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री, कि कौन कौन से सोर्सेज है बेटा जिनसे हमें पता चलता है अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्सेज है बेटा हमारे ह्यूमन फॉसिल्स. ह्यूमन फॉसिल्स यानी मानव जीवाश्म. ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हमारा केव पेंटिंग्स, जो गुफा चित्र किए बनाए हुए हैं मानव ने पुराने समय में, वो हमें मिलते हैं. तो उनसे भी हमें जानकारी मिलती है कि मानव का जीवन उस समय कैसा था. ठीक है, इसके अलावा स्टोन टूल्स, जो पत्थर के औजार मनुष्य ने बनाए बेटा, उनसे भी हमें पता चलता है आर्कियोलॉजिस्ट को कि किस तरह से मानव उस समय जीवन जीता था. अब नाउ वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट दीज सोर्सेज. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद ह्यूमन फॉसिल्स. इनिशियली क्या है बेटा ह्यूमन फॉसिल्स? फॉसिल्स क्या होते हैं बेटा? फॉसिल्स होते हैं, फॉसिल्स आर द रिमेन्स और इम्प्रेशन ऑफ अ वेरी ओल्ड प्लांट, एनिमल और ह्यूमन विच हैव टर्न इंटू स्टोन्स. क्या है कि बहुत पुराने समय के, कि ये क्या है जीवाश्म जो है फॉसिल शब्द, एक बहुत अत्यंत पुराने पौधे, जानवर, मानव, उन सब के जो अवशेष हैं जो किसके लिए यूज़ किए जाते, एक पत्थर के रूप में बदल जाते हैं. जैसे फॉसिल फ्यूल हम कहते हैं ना, फॉसिल फ्यूल क्या है, जो हमारा ये कोयला है ये भी फॉसिल फ्यूल है. ठीक है, तो ये भी क्या था बेटा, पुराने समय में पेड़ों के ये अवशेष हैं जो बहुत एक लंबे समय के बाद में एक साइंटिफिक प्रोसीजर से गुजर करके किसमें बदल गए हैं, एक फॉसिल में बदल गए हैं. ठीक है, तो इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं हम, जीवाश्म जो है एक शब्द है अत्यंत पुराने पौधे, जानवर या मानव के उन अवशेषों या छापों के लिए प्रयोग किया जाता है जो एक पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं और फिर लाखों सालों तक उसी में पड़े रहते हैं. तो बेटा इस तरह के जो फॉसिल्स हमें अवेलेबल हुए हैं उनसे हमें इस समय के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है. प्राग ऐतिहासिक काल है क्योंकि इसके हमें रिटन एविडेंसेस नहीं मिलते हैं. इतिहास क्या है बेटा, जहाँ से हमें मानव के जीवन के रिटन एविडेंसेस मिलने शुरू हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री. ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए बेटा स्पीशीज. स्पीशीज क्या है बेटा? स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी ब्रीड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग. मेंबर्स ऑफ वन स्पीशीज कैन नॉट मेट विद दोज ऑफ अदर स्पीशीज टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग. मीन्स स्पीशीज यानी प्रजातियां. क्या है कि जीवों का एक ऐसा समूह होता है बेटा जिसमें मेल एंड फीमेल मिलकर के क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, और उसके साथ साथ वो जो आगे उनके जो बच्चे होते हैं, बेबी होते हैं, वो भी उनमें भी किस तरह की कैपेसिटी होती है, रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है. ठीक है, साथ ही साथ इसकी एक स्पेशल फीचर क्या है कि एक स्पीशीज के जो मेल एंड फीमेल हैं बेटा वो ही ब्रीडिंग कर सकते हैं. ठीक है, दूसरी स्पीशीज के साथ में ब्रीडिंग यहाँ पर नहीं हो सकती है. तो ये क्या है बेटा आपका स्पीशीज. इनसे भी हमें क्या पता चलता है, मानव इतिहास के बारे में पता चलता है. ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए बेटा प्रीमेट्स. प्रीमेट्स या फिर हिंदी में जिसको बोल सकते हैं प्राइमेट्स, यानी क्या है प्राइमेट्स? प्राइमेट्स बेटा क्या है, एरिया है. प्रीमेट्स आर अ सब ग्रुप ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ मैमल्स. स्तनपाई जीवों का जो एक लार्ज ग्रुप है उसका एक ये भाग है. इसमें कौन इंक्लूड होते हैं, जैसे मंकी हैं, एप्स हैं. ठीक है, ये इंक्लूड. अब किस तरह से हम इनको समझ सकते हैं कि प्रीमेट बेटा, प्राइमेट स्तनपाई प्राणियों के एक अधिक बड़े समूह के अंतर्गत एक क्या है, उपसमूह है.
एक सब ग्रुप है, ठीक है। इस प्राइमेट उपसमूह में कौन कौन आ जाता है बेटा? वानर, लंगूर, मानव, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। और इनकी क्या एक फीचर होता है कि इनके शरीर पर बाल होते हैं, साथ ही इनमें ब्रीडिंग करने की कैपेसिटी होती है, रिप्रोड्यूस करते हैं, और साथ ही साथ इनमें एक ये होता है कि इनका जो बेबी होता है बहुत लंबे समय तक क्या करता है कि फीमेल के यूट्रस में उसका वो पलता है, वहाँ पे बड़ा होता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें फीड कराने की, जो फीमेल होती है उनमें वो अपने बेबीज को फीड कराती हैं। ऑल दीज आर दी फीचर्स ऑफ प्रीमेट्स ग्रुप, ठीक है बेटा। इसी में एक ग्रुप हमारा आ जाता है होमोनाइड्स। होमोनाइड्स में अ सब ग्रुप इवॉल्व फ्रॉम प्रीमेट्स एंड नोन एज होमोनाइड। इसी का एक सब ग्रुप क्या है बेटा? जिस तरह से प्रीमेट्स एक सब ग्रुप है, जस्ट लाइक दैट यहाँ पे होमोनाइड्स भी एक क्या है हमारा सब ग्रुप है। इनके थोड़े डिफरेंट फीचर्स होते हैं। किस तरह के फीचर्स होते हैं? जैसे होमोनाइड्स में बेटा कौन आ जाते हैं? जैसे बंदर, ये थोड़े से क्या होते हैं, मंकीज से डिफरेंट होते हैं, और मंकीज और जैसे एप्स हो गए, इनसे थोड़ा डिफरेंट होते हैं ये। इनका शरीर जो है बंदरों से बड़ा होता है, और इनकी एक स्पेशल थिंग क्या है कि दे हैव नॉट एनी काइंड ऑफ टेल। इनकी किसी भी तरह की कोई पूंछ नहीं होती है। होमोनिड के जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो निर्भरता क्या है, एक लंबे समय तक ये लोग क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, ठीक है। सो बेटा इट वॉज अ इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ चैप्टर फर्स्ट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम फॉर क्लास 11th हिस्ट्री, ओके। आज की इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किए बेटा? सोर्सेज क्या हैं हमारे हिस्ट्री को जानने के लिए, जो इनिशियल टाइम था, एंशिएंट टाइम था हिस्ट्री का, उसको जानने के लिए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अभी आपका जो होमवर्क है उसको सेंड कर दिया जाएगा, ओके। आफ्टर देन यू ऑल हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क इन योर फेयर नोटबुक, ओके। थैंक यू।